नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है टेस्ला मॉडल वाई। सबसे ज़्यादा बिकने वाली टेस्ला जो है ये है यहाँ पे, और मैं इसको 2500 किलोमीटर चला चुका हूँ पिछले 10 दिनों में। आज बात करेंगे क्या चीज़ें कैसी फील हो रही है अंदर से बाहर से चलाने में, ना सिर्फ मॉडल वाई की बल्कि ओवरऑल टेस्ला जो है उसका क्या इकोसिस्टम है, कैसा क्या चीज़ें जो है उसके बारे में, इंडिया में आए तो क्या चीज़ें हो सकती क्या नहीं हो सकती, हर एक चीज़ की। चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, ये चाबी जो है कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे कार्ड आता है जिससे जो है आप दरवाज़ा खोल बंद कर सकते हो, बट अगर आपको चाबी लेनी है तो चाबी भी आती है। मैंने आपको दिखाई थी वो मॉडल 3S और बाकी सब वीडियो में, X की जो वीडियो बनाई थी, तीनों वीडियो में दिखाई थी मैंने चाबी जो है टेस्ला के शेप की आती है, उसमें लॉक अनलॉक होता है। ज़्यादा कुछ फीचर्स उसमें नहीं आते हैं, बट एक चीज़ बढ़िया होती है जिससे नहीं होती, इससे सारे दरवाजे एक साथ लॉक अनलॉक नहीं होते हैं, और मोबाइल ऐप से आप कर सकते हो दो, तो मोबाइल ऐप वाला सिस्टम यहाँ पे आता है। बट और क्या कुछ चीज़ें जो है गाड़ी में आपके पास में आती है आगे? वेल, सबसे पहले तो ये टेस्ला विजन बेस्ड यहाँ पे हो गया है, मतलब रडार जो है हटा दिए इन्होंने, कैमरा बेस्ड सिस्टम भी आ गए हैं, और कैमरा में भी कटौतियाँ इन्होंने करना शुरू कर दी है। सबसे पहले यहाँ पे जो है आप लाइट देख पा रहे हो, प्रोजेक्टर रिफ्लेक्टर सिस्टम आता है, हाई बीम लो बीम, बहुत ही सही लाइट गिरती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइट एडजस्टमेंट जो है अंदर से कर सकते हो, बटन वटन नहीं है, सबको टच स्क्रीन से आपको करना पड़ता है। नीचे की तरफ यहाँ पे फॉग लैम्प जो है वो देखने को मिलते हैं, और कुछ भी नहीं है, कोई पार्किंग सेंसर्स कुछ भी नहीं है, जस्ट प्लेन एक टो हुक के लिए जगह जरूर वहाँ पे छोड़ी गई है, और बाकी चीज़ साइड में अगर आप यहाँ पे आके देखो तो आपके पास में व्हील जो है वो यहाँ पे दिख पा रहे हैं आपको, ब्लैक, ऑल ब्लैक। ये 2023 मॉडल जो है उसी में आते हैं, पहले वाले व्हील्स थोड़े अलग आते थे, लेकिन इसमें भी आप जो है मल्टीपल टाइप ऑफ व्हील्स ले सकते हो। ये 20 इंचेस है, 21 भी ले सकते हो, 19 भी ले सकते हो, आपको कहाँ कैसा चलना है उस पर। ये एक सही कॉम्बिनेशन है अगर आप हाईवे वाईवे पर जाते हो, बीच का कॉम्बिनेशन ये मान लो आपको ठीक ठाक स्टिफ राइड भी नहीं देगा, और वो सब चीज़ें जो है मतलब गड्ढे जो है झेल जाने की पावर भी डिसेंट आ जाती है। बट इसके बारे में और राइड करते वक्त मतलब चलाते वक्त जो है बात में यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आपको जो है इंडिकेटर का मार्क दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास कैमरा है, कैमरा की कोई कमी नहीं भाई इस गाड़ी में, कैमरे हैं, वहाँ कैमरा है, यहाँ कैमरा है, फ्रंट में आप अगर आप देखोगे ऊपर यहाँ पे कैमरा वगैरह जो है वो प्लेस आपके पास में किया गया है, ये तो ओनर ने कुछ ऐसे लगा रखे हैं यहाँ पे। इसके बाद में साइड में अगर आप आओ एकदम प्लेन है। हाँ, मॉडल 3 जो है उससे कुछ सिमिलरिटीज आगे की तरफ वहाँ लगती है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज बदलने लगती है मॉडल 3 से, और रियर में आते आते जो है सिमिलरिटी काफ़ी बदल जाती है मॉडल 3 के मुकाबले, जहाँ पे आपके पास में कूपेश लाइन जो है वो आ जाती है। अब ये 5 सीटर है, 7 सीटर वेरियंट में भी अवेलेबल है, मैं आपको जो है अनलॉक करके बाकी चीज़ें दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली टैप करना है, ये लॉक अनलॉक होगी, ये बजा भाई। ये सिस्टम ना देखने में बहुत अच्छा लगता होगा, इट्स वेरी बैड, बहुत ही अनअर्गोनॉमिक चीज़ यहाँ पे है। एनीवे, तो यहाँ पे फ्रेमलेस डोर्स जो है वो आपके पास में है, मैं नीचे करके दिखाता हूँ, मिरर जो है कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, और सब कुछ स्क्रीन से होता है। तो फ्रंक खोल दो, ठीक है, खुल नहीं रहा फ्रंक, ट्रंक खोल दिया मैंने और सब अनलॉक हो गया, ये खुल गया फ्रंक, यहाँ पे अनलॉक करने में खुलता है, ऐसा नहीं खुलता है फ्रंक जो है वो, अब ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रिकली सिर्फ लैच खुलता है उसका, पूरा ओपन नहीं होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक नहीं है पूरा वो, बट हाँ ये फ्रंट आपके पास में फ्रंक है, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बट आप चाहो तो कर सकते हो, डिसेंट बड़ा स्पेस एक्चुअली है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है एक लाइट आती है, एंड ये बटन जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, ये बटन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो है लैच वगैरह खोलने के हिसाब से फिर से यहाँ दिया गया है, मतलब एक फिजिकल बटन जो है वो यहाँ दे दिया गया, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको वॉशर फ्लूइड भरने के लिए जो है आपको एक पॉइंट यहाँ दे दिया गया, बाकी सब चीज़ें जो है वो गाड़ी के अंदर छुपी हुई है। वैसे कुछ होता क्या इसमें, कौन सा आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, कुछ सर्विस वगैरह करनी है, वैसा कुछ तो सिस्टम इसमें होता नहीं है। एनीवे, पीछे की तरफ बूट बहुत बड़ा है, उसका रीज़न ये है ये 5 सीटर वेरिएंट है, मुझे तो पता ही नहीं इस गाड़ी में 7 सीटर कैसे घुसाते होंगे, कहाँ लगाते होंगे सीट्स वगैरह, बट ये 5 सीटर वेरिएंट है, और देख पा रहे हो मेरा बड़ा बैग जो है इजीली यहाँ पे फिट हो गया। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखो इसके नीचे जो है इतना ही स्पेस और है अभी नीचे, तो बहुत भयंकर स्पेसेस जो है अवेलेबल है, यहाँ पे भी गहरा स्पेस है और यहाँ पे भी गहरा स्पेस, इसमें पानी की बॉटल पड़ी और मैं ढूंढ ही रहा था पीने को पानी, फाइनली मिल गया, मैं ये पानी पीऊँगा अभी थोड़ी देर बाद में वीडियो बनाने के बाद में। बट यहाँ पे भी कुछ बटन्स हैं जो कि सीट जो है उसको नीचे गिराने के लिए, सीट सिर्फ नीचे गिरती है, ऊपर जो है अपने आप नहीं आती है। यहाँ लाइट जरूर दी गई है एक छोटी सी, और छोटे से बटन, देखो आपको ना ये बटन और कुछ कुछ चीज़ें फील, अगर आपको ढंग से कैमरा में नहीं दिख रहा हो तो मैं बताऊँगा कि इट्स नॉट रियली अ वेरी हाई क्वालिटी यू नो बटन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जो होता है ना लग्जरी कार क्वालिटी चीज़ें नहीं बनाती है टेस्ला। उनका सिंपल सा है कि भैया हमें गाड़ी बनानी है इलेक्ट्रिक जो कि फील पूरी लग्जरी हो, फील पूरी फ्यूचरिस्टिक हो, वो सब चीज़ें, बट कई जगहों पे प्लास्टिक कुछ जगह बहुत ही मतलब सस्ता तो नहीं बोलूँगा मैं, बट फील्स लाइक ये कोई 20-22 लाख रुपए की गाड़ी जो इंडिया में आती है, या लेट्स से क्रेटा व्रेटा के टाइप की गाड़ियाँ जो है
उस क्वालिटी की यहाँ पे फील होती चीज़ें, उतना ज़बरदस्त क्वालिटी जो है फील नहीं होती है। एनीवे कुछ कार्बन फाइबर पैकेज जो है वो लगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये, और अंदर भी आपको दिखेगा थोड़ा बहुत। बट यहाँ पे फिर से कैमरा है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी कैमरा है एंड ऑब्वियसली पीछे भी कैमरा जो है वहाँ पे लगा ही होगा। कहाँ गया पीछे वाला कैमरा? ये आपके पास है पीछे कैमरा, ये रहा पीछे वाला कैमरा जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये विजन बेस्ड सिस्टम यहाँ पे जो है, टेस्ला विजन जो कहा जाता है, एडास विडास सब उसी के हिसाब से काम करते हैं। थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा उतना, बट कितने कैमरा टोटल? इस साइड दो, उस साइड दो, चार, पीछे एक, पांच, आगे एक, छः, टोटल छः कैमरा से ही सारे काम यहाँ पे। और छः नहीं, एक्चुअली यहाँ पे दो कैमराज होने चाहिए, तो मतलब वो वहाँ वाले कैमराज को छोड़ दो तो बाकी जगह टोटल पांच कैमराज जो है वो लगे हुए हैं। फ्रंट में यहाँ कोई कैमरा नहीं है, सरप्राइजिंगली आपको लग रहा होगा यहाँ कोई 360 डिग्री वगैरह के लिए कैमरा है, नहीं कोई भी कैमरा जो है वो यहाँ पे नहीं प्लेस किया गया है। एनीवे गाड़ी के अंदर चलते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवे हाँ जी, तो सबसे पहले तो गाड़ी स्टार्ट में कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं, मैंने दबाया, इसने बता दिया टैप की कार्ड प्रेस या टू ब्रेक, प्रेस ब्रेक टू ड्राइव। सिंपल सा फीचर है कि इसको पता है कि बंदे ने कार्ड से ओपन किया तो उसके बाद क्या जुगाड़ होगा, तो ये कार्ड मैंने जो है यहाँ पे रखा और मेरी गाड़ी जो है चालू यहाँ पे सिंपली हो जाती है एकदम से, मतलब रखते ही चालू हो जाती है और सीमलेस काम करता है। कभी भी ऐसा हुआ है नहीं हुआ कि नहीं काम करता है। ये बाहर वाला खोलने में जरूर एक दो बार टैप करना पड़ जाता है कभी कभी, पर अंदर वाले में जो है कभी कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ी सी मैं सीट पीछे करके आपको जो है चीज़ें बताता हूँ। मैं जो आपको आमतौर पर बताता हूँ ना, यहाँ पे ये चीज़ दिखी, यहाँ पे चीज़ दिखी, भाई इस गाड़ी में बताने में इतनी आसानी होगी क्योंकि इसमें कहीं कुछ नहीं दिया जाता है, एकदम सिंपल सॉर्टेड है। ये ओनर ने जरूर कुछ कुछ चीज़ें लगवा रखी है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये उन्होंने एक्सेसरी के रूप में ऐसा होल्डर टाइप का कुछ लगवा लिया, बाकी नीचे एकदम प्लेन है, कुछ नहीं है, पेडल्स दिए गए, उसके अलावा कुछ भी वहाँ पे कोई बटन कुछ ऐसा दबाने वबाने योग्य कोई चीज़ है ही नहीं भाई। ये कार्बन फाइबर जो मैं बता रहा था ये बाद में लगाया हुआ है। इधर आपके पास में ये बटन है जिससे गाड़ी जो है वो उसका दरवाज़ा अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे जो है पावर विंडोज़ के कंट्रोल सारे के सारे, जस्ट इन केस ये बटन नहीं काम कर रहा है, आपको नहीं करना है तो यहाँ से मैनुअल लीवर जो है उससे भी आप दरवाज़ा खोल सकते हो। इनफैक्ट जब आप खोलते हो तो एक वार्निंग जो है वो यहाँ पे आती है, वो ये बोलता है मैनुअल डोर रिलीज यूज मे कॉज डैमेज टू विंडो ट्रिम। तो ये मतलब बेसिकली विंडो ट्रिम जो ऊपर नीचे होती है उसको डैमेज हो सकता है ये बताता है, बट अभी तो मैंने विंडो ट्रिम जो है बंद करके कहा था। एनीवे तो ये यहाँ पे जो है और बहुत ही सिंपलेस काम करता है ये, मतलब बहुत ही सही जगह प्लेस है, मैं तो हर बार मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं उसको यूज़ करने में। यहाँ पे आपके पास में डोरबिन है, डिसेंट बड़ा है, सॉफ्ट टच मटीरियल नहीं है, हार्ड यहाँ पे सॉफ्ट टच इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे अल्कंटारा इस्तेमाल किया गया, बट आपको जो है ओवरऑल क्वालिटी वगैरह इट्स नॉट रियली वेरी वेरी गुड टाइप ऑफ क्वालिटी, डिसेंट ही मैं जो है यहाँ पे क्वालिटी को कहना चाहूँगा। यहाँ पे आपके पास में बटन व्हील या जो भी आप कहना चाहो इसे, एक्चुअली ऐसे तो रोटेट होता है और इधर उधर दबता है, इनफैक्ट अंदर जो है वो भी प्रेस होता है, सेम गोज़ हियर। अब इसके मल्टीपल फंक्शन है, अलग अलग टाइम पे इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। इधर आपके पास में कंट्रोल है इंडिकेटर और वाइपर जो है उसके लिए, और आपके पास में इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंट्रोल्स है मतलब सारे गियर, मतलब आपका फॉरवर्ड न्यूट्रल ड्राइव वगैरह पार्क अगर आपको करना हो। क्रूज कंट्रोल के लिए आप एक बार नीचे करते हैं, दो बार करने पर आप ऑटो पायलट सिस्टम वगैरह जो है वो इंगेज कर देते हैं चलते टाइम पे, ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। स्टीयरिंग आपको एडजस्ट करना हो ऊपर नीचे, वेल ऐसे नहीं कर पाओगे आप, उसके लिए बटन है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया उसके बाद में बाकी हर चीज़ के लिए जो है यहाँ पे अंदर टच स्क्रीन में ही ऑप्शन दिया गया है। ग्लोव बॉक्स भी अगर आपको खोलना ना तो आपको इस पर रिलाय करना पड़ता है, जो कि कुछ कुछ जगह फ्रस्ट्रेटिंग सा यहाँ पे हो जाता है। बट पहले स्क्रीन पे जाने से पहले बाकी चीज़ों की बात करते हैं। नीचे दो यहाँ पे चार्जिंग पैड जो है वो दिए गए हैं आपके पास में। यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा सा स्पेस है, ये है एक्चुअली, हाँ ऐसे पूरा खुल जाता है तो थोड़ा सा स्पेस है, कई चीज़ें यहाँ पे रख बन सकते हो। नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस है, दो USB वहाँ मिलती है कि ये टाइप सी, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस यहाँ दिया गया, थोड़ा स्पेस यहाँ पे जिसमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी यहाँ पे प्लेस्ड है। उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, ये भी ऐसा नहीं है कि बीच में से खुलता है, आगे पीछे नहीं बढ़ता है, इतना ही रहता है। बट इसको मैं कर देता हूँ बंद, डिसेंट सी चीज़ें यहाँ पे लग रही है, हर एक चीज़ जो है अब इसमें है, इसी में है भाई साहब जो है वो, वरना कहीं पे भी कुछ नहीं है। हल्का फुल्का सूरज का रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखो तो ये पूरा ग्लास ऊपर से तो ओपन होता है तो दिख जाता है, बट ये एक्चुअली अनॉय नहीं करता है, इंडिया में अनॉय करेगा डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया में अपने आप भयंकर गर्मी होती है, यहाँ पे थोड़ी ठंड है तो इतना मतलब ये फिर भी ठीक ठाक लगता है, प्रॉब्लम जैसी चीज़ नहीं है। ऊपर आए गए तो दिखा दूँ आपको, बहुत ही बढ़िया सा आपको वारंटी मिरर और लाइट मिलती है, बहुत ही सीमलेस काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये एक्सटेंड होता है तो वो भी एक अच्छी बात यहाँ पे जो है आपके पास में है ही। उसके बाद में यहाँ लाइट दी गई है, यहाँ पे आपके पास में हज़ार लाइट का स्विच दिया गया है, यहाँ पे ये मिरर दिया गया है जो कि इलेक्ट्रोकॉमिक है या नहीं है, वेल ये है बट क्योंकि ओनर ने जो है बहुत ही टिंट करवा रखा है पीछे तो ये हमें इतना ही डार्क होता है कि अभी कुछ फंक्शन जो है यूज़ करने लायक मिला ही नहीं। यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है जिसका काम क्या है मैं बताऊँगा आपको आगे। एनीवे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसकी बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ये स्क्रीन जो है इसमें एक तो ढेरों फीचर तो चलो दिए गए जो दिए गए, बट यही इस
गाड़ी की जो है जान है, और ये थोड़ा सा नेगेटिव भी कुछ जगह पे हो जाता है कि जब आपका सब कुछ जो है एक स्क्रीन पे डिपेंडेंट होता है। मैं आपको एक एक चीज़ें करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो बटन है यहाँ पे मेन है, इससे दबाने से मोस्टली काम जो है आपके यहाँ से होना शुरू होते हैं और होना बंद होते हैं। ये एक साइड यहाँ पे दी गई है जिसमें आप गाड़ी की कुछ वाइटल चीज़ें, आपको फ्रंक ओपन करना है, ट्रंक ओपन क्लोज करना है। जैसे मैं यहीं से ओपन भी कर सकता हूँ, यहीं से क्लोज भी कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे ओपन का एनिमेशन यहाँ पे आया, और क्लोज भी अगर मुझे करना है तो मैं यहीं से जो है क्लोज को कर सकता हूँ। ये देखो क्लोज यहाँ पे होने लगा। चार्जिंग पोर्ट में यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, मैंने क्लिक किया, मेरा चार्जिंग पोर्ट जो है वहाँ पे ओपन हो गया। अगर आपको दिख रहा हो हल्का फुल्का तो ओपन है, और वो बंद भी यहीं से हो जाएगा। ये मैंने यहाँ बंद कर दिया, और बहुत फास्ट बंद चालू जो है चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे होता है। एनीवे उसको टैप करके भी आप कर ही सकते हो। इनफैक्ट इतना स्मार्ट है, जैसे ही आपने चार्जर निकाला खुद ही बंद हो जाता है, पता है कि बंद तो करना ही है। एनीवे ये चीज़ें हैं, गाड़ी ऐसे घुमा घुमा के आप देखते रहो, उससे कुछ घुमाने ज़्यादा कुछ होगा नहीं। मैं आपको अब जो है बाकी फंक्शंस पे ले जाता हूँ। कहाँ गया ये म्यूज़िक वगैरह का कंट्रोल यहाँ पे। कुछ शॉर्टकट से नीचे, जैसे कि टेम्परेचर से रिलेटेड शॉर्टकट है, स्वाइप अप फॉर मोर टेम्परेचर जो है कम डाउन आपको करना हो ज़्यादा तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे हीटेड स्टीयरिंग का कंट्रोल है, यहाँ पे कॉल म्यूज़िक, ये आपके सारे कैमराज अगर आपको देखना हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, डैश कैम वगैरह देखना हो तो वो भी यहाँ पे हो जाता है। डैश कैम फंक्शन आता है बाय द वे इसमें। यहाँ पे आपके पास में ऐप्स है जो कि आप गाड़ी जब चार्ज लग रही है तब भी देख सकते हो, खड़ी है तब भी देख सकते हो, स्पॉटीफाई वगैरह वगैरह, ओनर मैनुअल वगैरह जो है हर एक चीज़ आपको मिलती है। ये म्यूज़िक जो है उसके वॉल्यूम नॉब को कम ज़्यादा करने का सिस्टम यहाँ दिया गया है। बट द रियल फंक्शन स्टार्ट्स हियर। सबसे पहले कंट्रोल्स, आप अलग अलग प्रोफाइल सेट कर सकते हो, गेस्ट हो या ओनर हो या क्या हो, बेटा है, कौन चला रहा है, गाड़ी की लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे। मिरर जो है फोल्ड करने हैं, अनफोल्ड करने हैं, चाइल्ड लॉक लगाना है, लगाना विंडो लॉक लगाना लगाना, ग्लोव बॉक्स खोलना है नहीं खोलना, हर एक चीज़ यहाँ पे। जी हाँ, ये ग्लोव बॉक्स छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक ठाक मतलब काम आ सकता है। मैनुअल मैनुअल जैसी कोई चीज़ें रखनी हो तो वो तो काम आएगा। मिरर्स जो है एडजस्ट करने हो, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको करना हो तो वो आप यहाँ से करते हो। अब देखो ये देखो ये देखो, अब यहाँ से स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, हर एक चीज़ जो है। अब ये रीस्टोर, अरे सॉरी सॉरी, रीस्टोर बटन दबा दिया, मेरी सीट सीट सब आगे पीछे होने लग गई। स्टीयरिंग, सेंट्री मोड, रिकॉर्डिंग मोड ऑन ऑफ आपको करना हो। सेंट्री मोड क्या है, कोई भी गाड़ी आप जब गाड़ी लॉक करके गए कोई आसपास आया तो रिकॉर्ड करने लग जाता है उसको कि भैया ये बंदा आया था, और फिर जब आप वापस बैठते हो तो दिखाता है आपको कि देखो ये बंदा गाड़ी के पास में आया था, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन रहनी है। पेडल और स्टीयरिंग की सेटिंग्स, आपको एक्सेलरेशन कैसा चाहिए, चिल चाहिए, फास्ट चाहिए, आपको कंफर्ट कैसा चाहिए, स्टीयरिंग का स्टॉपिंग मोड जो है कैसा होना चाहिए, रोल करता रहना चाहिए, क्रीप करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे है, भयंकर ही ऑप्शंस हैं। कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि ईवी है इसलिए पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल भी नहीं होते हैं। एनीवे यहाँ पे आपके पास में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए अप्लाई करना नहीं करना, ऑफ रोड असिस्ट जो कि एक्चुअली एक मोड है जो अलग अलग व्हील्स को अलग अलग ट्रैक्शन जो है यहाँ पे देता रहता है, तो वो एक मोड जो है कई लोगों के काम का यहाँ पे हो सकता है जब वो ऑफ द रोड जाएं और फंस जाएं। तो स्लिप असिस्ट, ये जब आपको स्नो गर्म फंसे हुए तब यहाँ पे काम आएगा। उसके बाद में चार्जिंग से रिलेटेड, कितनी चार्जिंग करनी है, 100% करनी है, 80% रुक जाना है, करंट चार्ज की लोकेशन पे करंट जो है क्या है आपको उसमें एडजस्ट करना है, मैक्सिमम कितना जाना है, चार्ज पोर्ट ओपन करना है नहीं करना, शेड्यूल करना है डिपार्चर उसके हिसाब से चार्ज करना है, लास्ट चार्जिंग आपने करी थी तो उसके कितने पैसे हुए थे। अभी मैं यहाँ पे सारे पैसे देख सकता हूँ कि क्या, ये सुपर चार्जर टिप्स वगैरह है यहाँ पे, मैं ऐप वगैरह पे सारे पैसे देख सकता हूँ मैंने कब चार्ज किया, कितना हो क्यों हुआ। अभी मैंने जो चार्ज किया उसमें $0.21, मतलब मैंने एक बार लगा के छोड़ दिया था बीच में थोड़ा सा, और तो ये उसका चार्ज जो है यहाँ पे दिखा रहा है। सुपर चार्जिंग के टिप्स वगैरह क्या है वो दिखाता है कि आप नेविगेट करो उससे पहले, नेविगेशन लगाओ तो प्री कंडीशन हो जाएगी, 20% बैटरी से कम पे पहुंच जाओ, स्पेस छोड़ो गाड़ियों के बीच में ताकि सबको बढ़िया जो है मिल सके हमारे मतलब चार्ज वगैरह। ऑटो पायलट मोड यहाँ पे है, मल्टीपल चीज़ें, फुल सेल्फ ड्राइविंग। जी हाँ, टेस्ला विजन जब से आया है तब से फुल सेल्फ ड्राइविंग में थोड़ी दो चार चीज़ें आगे पीछे लिमिटेशन जरूर हो गई है, बट फुल सेल्फ ड्राइविंग काम करता है अभी चलाते वक्त जो है। थोड़ा सा आपको उसका माहौल बता के बताऊंगा मैं, लेन चेंज नोटिफिकेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा काम करना चाहिए, कोलिजन वार्निंग देनी है, टाइम देनी है, स्पीड लिमिट की वार्निंग लगानी है, स्पीड लिमिट से ऊपर जाना है नहीं जाना वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इमरजेंसी लेन डिपार्चर अवॉइडेंस, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑब्स्टिकल अवेयर एक्सेलरेशन, ट्रैफिक अवेयर, क्रूज कंट्रोल चाइम, हर एक चीज़ आपको बताता है। ग्रीन लाइट चाइम, अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो और राइट लाइट से रेड से ग्रीन हुई तो अपने आप यहाँ पे पिंग बता देता है कि भैया चलो यहाँ पे जो है लॉक वॉक करना, ये लॉक्स वगैरह, ये की जो है इस पे आप सेट कर सकते हो कि यहाँ पे ये की का नाम है, ये की जो है कौन यूज़ कर रहा है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, गेस्ट यूज़ कर रहा है क्या कर रहा है, मल्टीपल फोन वोन से अनलॉक होना चाहिए, उन्होंने किसी की एक्सेस हटाना हो तो वो भी आप यहाँ पे एक्सेस हटा भी सकते हो, चाइल्ड लॉक, वॉक अवे डोर लॉक, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट ये वॉक अवे डोर लॉक तभी काम करता है जब आप चाबी से या फ़ोन से आप कर रहे हो, तो ये कार्ड से करने पर काम नहीं करता है। अनलॉक ऑन पार्क, पार्क मोड पर डालते हैं, अनलॉक करना है नहीं करना, वो सब चीज़ें, ड्राइवर डोर अनलॉक मोड वगैरह वगैरह, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे।
लाइट से रिलेटेड सेटिंग्स भाई दुनिया भर की, हेडलाइट, फ्रंट फॉग लाइट ऑन रखनी है नहीं रखनी, टर्न सिग्नल ऑटोमेटिक कैंसिल करना है नहीं करना, बहुत ही सही फीचर है टर्न सिग्नल ऑटोमेटिक कैंसिल करने वाला। आपने जैसे मान लो इंडिकेटर दे दिया गाड़ी में, ठीक है, इंडिकेटर चल रहा है, कैमरा इधर का चल रहा है, गाड़ी ने डिटेक्ट किया आपने लेन चेंज कर ली, जैसे ही लेन चेंज होती है अपने आप बंद हो जाता है, जब तक आप लेन चेंज नहीं करते तब तक जो है वो बंद नहीं होता है। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर यहाँ पे टेस्ला का ये है। डोम लाइट ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, ऑटोमेटिक पे करनी है तो ऑन जाकर मैं करूँगा तो यहाँ पे सारी लाइट जल जाएगी। कहाँ कहाँ लाइट है, दो यहाँ पे है और दो पीछे की तरफ जो है आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है लाइट ये मिलती है आपको। तो थोड़ा सा मेरा कैमरा टेढ़ा यहाँ पे हो गया, बट एनीवे तो ये यहाँ पे लाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में क्या बचा, उसके बाद में एम्बियन लाइट वगैरह ऑन रखनी है नहीं रखनी, मल्टीपल एम्बियन लाइट गाड़ी में आती है। स्टीयरिंग व्हील की लाइट जो है ऑन रखनी है नहीं रखनी वो यहाँ पे मैंने ऑन कर दी। हालांकि स्टीयरिंग व्हील की लाइट जो है उससे कोई भी ऐसा लाइट से चीज नहीं है, यहाँ पे बहुत अंधेरा सा फील होता है रात में, तो वो दिक्कत जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत इसमें है। डिस्प्ले जो है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस वगैरह, पता है इसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस में आप डिस्प्ले रख दो ना और रात में चलाओ बहुत ज़्यादा डिम हो जाता है, ये आसपास की लाइटों की देख नहीं पाते हो, इसलिए मैंने ऑटोमेटिक ऑफ ही कर रखा था, थोड़ा खुद से ही सेट कर रखा था परसेंटेज वगैरह। स्क्रीन क्लीन मोड, अगर आप ये दबाओगे उसके बाद में आप स्क्रीन जो ऐसा साफ जो कर पाओगे, और अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आप एग्जिट हो जाओगे, 1 2 3 और ये वापस स्क्रीन चालू हो गई यहाँ पे। ये कई और गाड़ियों में भी आता है स्क्रीन क्लीन मोड। स्क्रॉल व्हील का फंक्शन क्या है, कैमरा ऑन करना है या कुछ और करना है, मतलब ये स्क्रॉल भी लग रहा आप दबा दो तो उससे क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे मल्टीपल सेटिंग्स आती है, मल्टीपल सेटिंग ट्रिप्स, ए बी सी ट्रिप जो है आपका ऑडोमीटर टोटल कितना है, ये गाड़ी चल चुकी है टोटल ऑडोमीटर कहाँ गया, टोटल ऑडोमीटर यहाँ कहीं तो दिखाता है यार कहाँ गया, ये 40,000 किलोमीटर माइल, 41,307 माइल जो है ये गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है। नेविगेशन बहुत ही सही काम करता है, गूगल बेस्ड नेविगेशन है, बढ़िया काम करता है, कोई भी इशू नहीं। इस गाड़ी में एंड्रॉइड डेटा कार्प्ले नहीं आता है और उसका ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है क्योंकि नेविगेशन इतना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं उसके बारे में और चीज़ें, सेंट्री मोड वगैरह जो है वो आपको रखना नहीं करना, डैश कैम की क्लिप्स देखनी है नहीं देखनी, डैश कैम की क्लिप डिलीट करनी है नहीं करनी, किसने गाड़ी कब देखी, स्पीड लिमिट का मोड क्या रखना है, उसके बाद मतलब ये सेफ्टी का पार्ट आ गया, वो मोड वोड हट गया, स्पीड लिमिट जो है क्या रखनी है, ग्लोव बॉक्स खोलने के लिए पिन चाहिए या नहीं चाहिए, हर एक चीज़, ड्राइव करने के लिए कोई पिन चाहिए या नहीं चाहिए, हर एक चीज़ पे जो है सेटिंग यहाँ पे लगाई है। कैबिन ओवर हीट प्रोटेक्शन ऑन रखना नहीं रखना, ज़्यादा हीट होने लग जाता ना कैबिन तो गाड़ी खुद से जो है चार्ज मतलब वो करने लग जाती है, वेंटिलेशन शुरू होती है गाड़ी खड़ी खड़ी। मतलब मैं एक दिन सुबह उठा और भयंकर धूप थी उस दिन, दोपहर के आसपास हम जब चेकआउट कर रहे थे होटल से, मैंने देखा गाड़ी फिर भी ठंडी है इतनी धूप के बावजूद, फिर समझ में आया अच्छा गाड़ी अपने आप कूलिंग वूलिंग करनी रहती है। बाकी तो क्या है, गियर जैम, सिक्योरिटी अलार्म वगैरह वगैरह, इसमें कुछ भी ऐसा ऐसी चीज़ है नहीं जो मुझे बतानी हो आपको। सर्विस वगैरह से रिलेटेड आपकी हेडलाइट आपको एडजस्ट करनी हो, व्हील्स टायर कौन से लगे हुए हैं, कार वॉश मोड पे डालना है, बेसिकली कार वॉश मोड पे डालते हो तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो जो अपने आप दबा बटन दबा के खुलने वाला वो है अपना चार्जिंग पोर्ट वगैरह वो खुलना बंद हो जाता है ताकि आप गाड़ी इजीली धो पाओ और कोई प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। सॉफ्टवेयर अभी क्या लग रखा है, मॉडल वाई लॉन्ग रेंज ड्यूअल मोटर जो है यहाँ पे ये VIN नंबर में छुपाना पड़ेगा, बट ये बता रहा है आपके पास कौन सी गाड़ी है। अपग्रेड्स वगैरह, जी हाँ, इस गाड़ी में आप अपग्रेड्स वगैरह जो है वो भी कर सकते हो, कई तरीके के अपग्रेड्स है। आप सॉफ्टवेयर देखो क्या, धीरे धीरे यही होगा कि आपकी आपके पास में गाड़ी है, आपकी मोटर जो है 500 हॉर्स पावर बना सकती है, बट सर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा तभी आपकी गाड़ी जो है 500 हॉर्स पावर बनाएगी, वरना 300 ही बनाएगी। ये सिस्टम आने वाले हैं तो ये बस उसी की झलकियाँ, झलकियाँ क्या एक्चुअली बहुत ही मतलब काफ़ी सारे अपग्रेड तो देते हैं। एनीवे ये सब चीज़ें यहाँ पे है। अब मोटा मोटी कुछ और शॉर्टकट्स वगैरह भी है गाड़ी में, अगर आप ऐसा एक्चुअली अच्छा शॉर्टकट यहाँ नहीं, यहाँ चले गए, ये चार्जेस वगैरह आपको ढूंढने हो तो यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया। बहुत ही ज़बरदस्त चार्जिंग नेटवर्क है टेस्ला का, ज़बरदस्त ही चार्जिंग नेटवर्क जो है टेस्ला का सुपर चार्जर्स का यहाँ पे है, बहुत ही अमेजिंग। ये रेड दिखा रहा है वो एरिया जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, थोड़ी सी लिमिट है आपकी, अदरवाइज जो थोड़ा सा बाहर हो जाएगा आपके लिमिट के, मतलब वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, ये सब चीज़ें ऐसा बताता है। अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ ट्रिप प्लान की कि मुझे यहाँ से तुम ले चलो न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क ले चलो, कैलिफोर्निया में ही है न्यूयॉर्क, तो ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, न्यूयॉर्क तो बहुत नज़दीक हो गया, देखो न्यूयॉर्क वाला न्यूयॉर्क नहीं है, न्यूयॉर्क ले चलो, ठीक है, ये न्यूयॉर्क NY। अब ये यहाँ से मुझे लगभग एक मतलब ऑलमोस्ट US की सबसे लंबी ट्रिप्स में से एक ले जा रहा है, मुझे सब बता रहा है मुझे कहाँ रुक के चार्ज करना है, कितनी देर चार्ज करना है, मैं कहाँ पहुँचूंगा। अमेजिंग मतलब गजब ही सिस्टम जो है चार्जिंग नेटवर्क और ओवरऑल इंटीग्रेशन उसका जो किया गया है सॉफ्टवेयर वगैरह के हिसाब से बहुत ही सही किया गया है, कमाल चीज़ है टेस्ला, आई अप्रिशिएट इट। आपने कई गाड़ियों के लिए, कई कंपनीज के लिए ना सिर्फ नया चैलेंज खोजा है बल्कि जनरेशन के लिए एक नया टाइप जो है डेफिनेटली निकाला है कि कैसे व्हीकल्स को यूज़ और तरीके से किया जा सकता है मूविंग फॉरवर्ड जीवन में।
एनीवे ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे और भी कुछ बचा नहीं है आई थिंक बताने को। मैं आपको रियर में इस पर दिखाता हूँ, क्योंकि देखो गाड़ी वाड़ी तो सब अपनी जगह ठीक है मतलब, लेकिन इवेंचुअली तो इस गाड़ी में आपको क्या करना है, आपको बैठ के जाना है, तो स्पेस स्पेस तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि भैया सारे फीचर्स वीचर्स दिखा दिए स्पेस वगैरह जैसे कोई चीज़ निकले ही ना गाड़ी में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एनीवे तो मैं सबसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ सीट को, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है, स्टीयरिंग व्हील मैंने आगे पीछे किया ना उसकी वजह से। नहीं 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 अरे नहीं 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 रुक जाओ आप, ऐसे गाड़ी चालू मत करो यार। एनीवे जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो गाड़ी अपने आप पार्क मोड में चली जाती है ये पीछे की तरफ। थोड़ा सा इन्होंने विंडो इतनी भयंकर टिंट कर दी है, थोड़ा सा दिखने में ज़रूर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट क्या स्पेस है, वेल एक्चुअली अच्छा स्पेस जो है वो आपके पास में यहाँ पे रियर में है, ऑनेस्टली बढ़िया स्पेस है। तो तीन रो जब आ जाएगी तो पता नहीं कैसा स्पेस होगा, और अभी तो बढ़िया स्पेस जो है यहाँ पे है। मैं आपको विंडो रोल डाउन करके थोड़ा सा और क्लियर दिखाता हूँ क्या स्पेस कैसा है। ये नीचे नहीं जाता ऑल द वे, ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ में। यहाँ पे आपके पास में वो सेम तरीका है बटन खोलने का, डिसेंट ग्लोव बॉक्स जो है वो भी आपको मिलता है, और यहाँ पे जो है मैगजीन होल्डर भी मिलता है। रियर में आपको जो है दो टाइप सी जो है वो मिलती है, और एसी वेंट जो है उसके कंट्रोल्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलते, वो सब आगे से करने पड़ते हैं, बट इसके नीचे अच्छी सी कार्विंग की गई तो पाँव यहाँ पे भी आप जो है रख सकते हो। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखोगे तो एक्चुअली हाँ मैंने कहा कहाँ गया आर्मरेस्ट, यहाँ पे जो है आपको आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें दो कप होल्डर जो भी बने हुए हैं, और ये हाँ ये ऊपर होता था, मैंने कहा ऊपर हो नहीं रहा। ये देखो ये आपके पास हेडरेस्ट जो है वो इस तरीके से बन जाता है अगर तीसरा बंदा यहाँ पे बैठा है तो। ये जो दो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है किसी भी तरीके से, इनफैक्ट दीज हेडरेस्ट आर आल्सो नॉट रियली, मतलब ऐसा कि आगे खींचो खींच पाओ आप, वैसा एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। और मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पे, रियर में और ऐसे कुछ चीज़ नहीं है जो मुझे बतानी हो। हाँ ये कोट हुक जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं, और रबराइज थोड़े से किए गए, इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी हर जगह बट ठीक है, मतलब ऐसा बुरी क्वालिटी कहीं पे भी नहीं है, ऐसा नहीं है सस्ता काम कर दिया, बट इट्स नॉट द लग्जरी क्वालिटी, द लग्जरी कार नहीं है ऑनेस्टली ये टेस्ला कार जो है वो उतनी लग्जरी नहीं है। दे आर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑब्वियसली बैटरी टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज़ें महंगी पड़ती है, तो एक्सपेंसिव तो होनी है, बट दे आर नॉट लग्जरी कार्स। कई जो लग्जरी कार्स हैं वो एक्चुअली ऑलमोस्ट टेस्ला लाइक क्वालिटी वगैरह सब चीज़ें ऑफर कर रहा है, टेस्ला से ज़्यादा मतलब क्वालिटी तो ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, टेस्ला लाइक टेक्नोलॉजी वो ऑफर करने लग गए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि गेम से सब आउट ही हो जाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा डरते भी नहीं है टेस्ला से। एक टाइम पे ज़रूर डरते थे, लेकिन सेल भाई दबा के करती है टेस्ला, ये बहुत ज़बरदस्त सेल करती है। जब आई थी तो बीच में लगातार 6 महीने तक ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी हो गई थी टेस्ला मॉडल वाइज की मैं बात कर रहा हूँ। एनीवे अभी जो है ड्राइव करते हैं और बात करते हैं क्या कुछ चीज़ें कैसी क्या लग रही है ड्राइव में। तो जी भैया ड्राइवर सीट से बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें टेस्ला मॉडल वाई के बारे में कैसी लग रही है इन जनरल मेरे को जो है जितना एक्सपीरियंस हो गया। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको मैंने कितना चला लिया, मैंने गाड़ी को चला लिया है लगभग कहाँ गया डिस्टेंस 1716 माइल, मतलब देख लो रफली 2500 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने इस गाड़ी को चला लिया है करंटली अभी, और एक दिन में नहीं चलाया है मतलब ऑलमोस्ट 7-8-10 दिन में चलाया है। तो मेरे को अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस है, मतलब मैं इसको हल्का फुल्का ऑफ द रोड भी लेके गया हूँ, मैं इसको ऑन रोड तो चला ही रहा हूँ, शहर में तो मोस्टली चला ही रहा हूँ, हाईवे पे भी मैंने बहुत चलाया, इनफैक्ट हाईवे पे शायद थोड़ा ज़्यादा चलाया इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर वगैरह। क्या चीज़ें कैसी लग रही है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा फीचर जो है वो मुझे बताना था, इसलिए मेरे को मैंने यहाँ पे ट्रैफिक लाइट शुरू किया। देखो ग्रीन लाइट ये अपने आप ब्लिंक करता है, डिंग बजा देता है कि आपकी लाइट जो है वो ऑन हो गई है। अभी तो इसने नहीं बजाई क्योंकि इधर की ऑन हुई, अगर सामने की पूरी ऑन होती तो डिंग बजा देता है कि आपकी लाइट जो है ऑन है, ट्रैफिक लाइट, आप निकल सकते हो। बहुत ही सही फीचर जो है वो इस गाड़ी में यहाँ पे आता है, मतलब मोस्टली कैमरा बेस्ड ही सब सिस्टम है, रडार वडार तो निकाल दिए जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो सिस्टम यहाँ पे हो गया है। बट अब जैसे यहाँ पे फिर से लाइट आई है तो वो आपको जो है बताएगा कि ये देखो मैं अभी तो ये ऑटो पायलट वगैरह पे नहीं है, नॉर्मल मोड पे ही है, वहाँ पे भी लाइट है यहाँ पे भी लाइट है, ठीक है। लेट्स सी ये कैच कर पाता नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ऑड प्लेस्ड है, अजीब से ऐसे प्लेस्ड है लाइट, तो आई डाउट कि कैप्चर करेगा बट कर लेगा मोस्टली। उसके बाद बाकी चीज़ों की बात करेंगे हम कि कैसा जो है ओवरऑल चलाने में विजिबिलिटी वगैरह इकोनॉमिक कैसा लग रहा है। मॉडल 3 पे बेस्ड थी मोस्टली, मेरे को तो फील मॉडल 3 जैसी हो रही है, बस थोड़ी सी ऊंची और थोड़ा सा शेप थोड़ा सा जी थोड़ा अलग सा है। ये देखो टिंग बजा ना, इसका मतलब है कि आपकी लाइट जो है वो ऑन हो गई है, यू कैन नाउ मूव फॉरवर्ड, ये यहाँ पे रिमाइंड कर रहा था। बहुत ही गजब फीचर है भाई, ट्रस्ट मी बहुत ही गजब फीचर है। इनफैक्ट अगर मैं ऑटो पायलट मोड पे होता तो गाड़ी अपने आप चलने लग जाती है कि लाइट ऑन हो गई है, नाउ आई एम श्योर चलने लग जाती है, अनलेस यू प्रेस ब्रेक हार्ड और आप उसको सब प्रेस कर दो कि भाई नहीं चलना है तो बात अलग है। ओके
हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, विजिबिलिटी वगैरह देखो, विजिबिलिटी वगैरह फैंटास्टिक है गाड़ी में, कोई भी इशू ऐसा विजिबिलिटी का नहीं है। मुझे थोड़ा सा और ये फ्लैट मिरर लगते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं तो थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी आती, बट यहाँ पे जो है कैमरा बनाया था। अब ये कई लोगों का कहना है कि देखो यहाँ पे कैमरा आपको दिया ही है, ब्लाइंड स्पॉट का काम वो कर देता है। ऑनेस्टली मुझे ये डिस्ट्रैक्टिंग लगता है सच में, ये मतलब ये ऑफ रह जाता है थोड़ा, दिन में चल जाता है, रात में बड़ा ऑड सा फीलिंग यहाँ पे आती है और ये उतना काम का नहीं होता है। आई वुड हैव लव्ड कि थोड़ा सा मिरर जो है वो कॉन्वेक्स वगैरह दिया जाता। उसके अलावा विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, चाहे IRVM ले लो चाहे बाकी कुछ और चीज़ जो है अंदर से कहाँ पे क्या कितना दूर है वो ले लो, कोई भी दिक्कत ऐसा है नहीं। एंड ऑब्वियसली आप जब आगे पीछे कर रहे हो तो गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा जो है वो काम आपका कर ही जाता है, तो आपको वो दिक्कत वहाँ पर होती नहीं है। फिर बाद में आती है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स में भाई दिस इज़ एक्चुअली वेरी बैड। मतलब देखो चीज़ें सब एक जगह, ये डिम बजी, गाड़ी जो है आगे चलना शुरू कर देगी, तो इकोनॉमिक्स में चीज़ें सब जो है अपनी जगह जगह है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और जगह पे कहीं है। इट्स जस्ट कि इट्स लिटिल टू मॉडर्न, और कुछ कुछ चीज़ों को तो डेफिनेटली एलिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे होना, यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं होना, इनफैक्ट स्मॉल डिस्प्ले टेलिंग कि आपकी स्पीड क्या है ये सब चीज़ें वही काम यहाँ पे कर देता, बट वो भी जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो वो एक इशू जो है यहाँ पे है। ये चीज़ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा कुछ रीच करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही जगह। इनफैक्ट टेस्ला का ऑब्वियसली जो वॉइस कमांड है वो भी सिस्टम है ही, हालांकि वो भी उतना बेहतरीन काम नहीं करता है। आई वाज सरप्राइज, कुछ कुछ चीज़ें जो है अपनी रेगुलर कार्स में ज़्यादा बेटर काम करने लगी है, तो आई वाज सरप्राइज कि वो इतना बेहतरीन काम नहीं करता। मेरे नहीं वे, अब मैं आपको ऑटो पायलट चालू करके दिखाता हूँ। ये मैंने दो बार प्रेस किया, गाड़ी अब सेंटर लेन में आ गई, मैंने थोड़ा सा ऑफ था लेन से, गाड़ी अपनी सेंटर लेन में आ गई। बट रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जो है अभी भी, अब देखो अभी भी गाड़ी ने सेंटर लेन में मेंटेन की है, खुद ही जा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर आप दिखना तो देखो खुद ही जा रही है, मर्ज होगी गाड़ी लेन में, सब कुछ जो है अपने आप से करेगी। इनफैक्ट कंप्लीट ऑटो पायलट मोड पे नहीं है गाड़ी, अगर कंप्लीट ऑटो पायलट मोड पे होती इंडिकेटर देके स्विच करके उधर भी जाती। आई डाउट मैं कंप्लीट ऑटो पायलट मोड पे अब जा पाऊंगा चलती गाड़ी में, आई डोंट, हाँ अभी नहीं जा सकता, सिर्फ ऑटो स्टीयर मोड पे अभी यहाँ पे है। कंप्लीट ऑटो पायलट मोड में नेविगेशन लगा दो आप, गाड़ी अपने आप जाती है जहाँ उसको जाना। एनीवे तो अभी जो है हम बात कर रहे थे, मैं हाथ रख लेता हूँ फिर भी क्योंकि रिकमेंडेड होता है। इनफैक्ट ये अंदर जो कैमरा है ये रीड करता रहता है कॉन्स्टेंटली कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अटेंशन दे रहा हूँ, इधर फोन वोन तो नहीं चला रहा हूँ, वो सब चीज़ें हैं। हाँ तो हम बात कर रहे थे अर्गोनॉमिक्स वगैरह जो है वो सब सॉर्टेड है। उसके बाद में बात आती है कि कैसी है ड्राइविंग कम्फर्ट वगैरह। सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है इस गाड़ी के, मतलब दे डोंट फील रियली कम्फर्टेबल एज सच, थोड़ा तो मतलब वो टायर और वो जो प्रोफाइल वगैरह चूज़ की गई है वो ऑब्वियसली है थोड़ी ऑडी, मतलब जिस तरीके की प्रोफाइल वगैरह चूज़ की गई है वो मोस्टली हाईवे ओरिएंटेड है, लेकिन यहाँ US में सड़कों में जो है ना हल्के फुल्के पैचेस वैचेस बहुत है, पैच वर्क वगैरह बहुत हुआ है, तो वहाँ पे धम धम आवाज़ आती है सस्पेंशन से, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ड्राइविंग कम्फर्ट में दे देता है। नॉट इन टर्म्स ऑफ सीटिंग वगैरह, उसमें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट्स वगैरह तो बढ़िया है। एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी ऑड है वो ये कि गाड़ी की ओवरऑल मतलब जो वेट वगैरह है वो बिल्कुल भी फील वील तो नहीं होता है, मतलब इट्स वेरी फास्ट वेरी गुड, बट फिर भी ना ड्राइविंग में वो मज़ा नहीं आता है, देयर इज़ नो एंगेजमेंट इन इट। हाँ स्टीयरिंग बहुत अच्छा वेट है, स्टीयरिंग में आपको प्रॉपर फील होता है कि कहाँ वो जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। मतलब मैं हैंडलिंग में इसको गाड़ी को बहुत अच्छा रेट करूँगा, बट वो फीलिंग नहीं है, एंगेजमेंट वाली फीलिंग नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक, उसका नेचर यही है कि बस 0 to 100 मान लो, वूम वूम वैसे कर लो, तेज कर लो, वो सब चीज़ हो जाती है। पावर फिगर्स में आपको बताता हूँ 385 हॉर्स पावर। बाय द वे बिफोर यू कॉमेंट कि मैं लेंस में ऐसे ऐसे क्यों चल रहा हूँ, यहाँ पे US में चलता है, लोग ऐसे चलाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कई रोड्स है जो उधर मैं जा नहीं सकता हूँ बिकॉज फास्ट ट्रैक है, कुछ जगहों पर गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग तभी जा सकते हैं वगैरह वगैरह, तो डोंट कोट मी ऑन दैट, गलत कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट थोड़ा सा एक तो स्टीयरिंग टेढ़ा दिख रहा है, इस गाड़ी का अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ, बहुत चल गई यार ये, ऑलमोस्ट 40-45 हज़ार माइल चल चुकी है, विच इज़ ह्यूज। एनीवे हाँ हल्की सी 40-45 हज़ार माइल चलने के बाद में क्वर्किंग इधर उधर चूंचा नॉइज़ आ रही है, उतनी क्वालिटी ज़बरदस्त नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। बट एनीवे एंगेजमेंट नहीं है गाड़ी में, वो मैं यहाँ पे आपको कह रहा था, फील नहीं है गाड़ी में सच कुछ चलाने में। 0 to 100 वगैरह हो जाती है, 385 हॉर्स पावर और 510 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप परफॉर्मेंस वर्जन लोगे तो और ज़्यादा मिल जाएगा आपको, 0 to 100 4.8 में ये करती है, वो वाली और फास्ट करती है 3.5 में करती है शायद, बट उसके अलावा ऐसे कोई मज़ा जो है इलेक्ट्रिक कार में नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये मुझे ज्ञान दे रही है 1 माइल में ये करो वो करो, अरे अपने आप करो ना भाई, मैंने आपको किस लिए लिया है फिर, मतलब ये अब 1 माइल मैं ही करता रहूँगा तो फिर आपका क्या काम है जीवन में। एनीवे तो मैं जानबूझकर आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा मेरी बात खत्म करनी है। उसके बाद में बात आ रही थी ओवरऑल राइड वगैरह, मैंने बता दी उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट इट्स गुड, हाईवे पे काम चल जाता है। और हैंडलिंग में जो है मज़ा, हैंडलिंग बहुत अच्छी है बट वो ड्राइविंग में प्लेजर नहीं है। फिर ब्रेकिंग वगैरह ज़बरदस्त, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई थिंक कुछ कुछ जगह पे ना ये विजन बेस्ड ऑटो पायलट सिस्टम है, ये थोड़ा सा उतना बढ़िया काम नहीं करता, इतना रडार बेस्ड
कर पाता है। मैंने ये फील किया एक दो जगह टर्न वन पे कि थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो जाता है, और यही एक रीज़न है कि फुल्ली ऑटो पायलट सिस्टम जो है वो इसमें उतनी देर नहीं रख नहीं सकते, मल्टीपल लेवल के सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के साथ में उसको लिमिट किया गया है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे जरूर थोड़ी देखने को मिली। बट हाँ ठीक है, मतलब इट्स गुड। मैं अब जो है लेन चेंज करने का वक्त आ चुका है, एक्चुअली यही लेन जो है निकल जाएगी तो लेन मुझे चेंज तो नहीं करनी पड़ेगी। हाँ चेंज बताऊँ अपने आप कैसे होता है, ये देखो मैंने इंडिकेटर दिया, थोड़ा सा आगे जाएगी गाड़ी ये, अरे 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 अच्छा इसमें ही है ना, ये करेगी नहीं क्योंकि कंप्लीट वाइट लेन जो है यहाँ पे, तो वो चेंज नहीं करेगी। थोड़ा सा नियम वियम नहीं तोड़ती भाई, आप ऐसे तोड़वा दो, आप जैसे अपने आप स्लो जरूर हो रही है, बट आई आस्क हर टू चेंज लेन, अब देखो ये लेन चेंज हो रही है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे लेन वेन अपने आप चेंज कर लेती है। कंप्लीटली ऑटो पायलट जो सिस्टम है FSD फुल सेल्फ ड्राइविंग, उसमें तो करना ही नहीं, इंडिकेटर नहीं देना पड़ता, खुद ही इंडिकेटर देती है और टर्न करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे मैंने बोला विजन बेस्ड सिस्टम में थोड़ी सी लिमिटेशन जो है वो यहाँ पे ऐड की गई है, गाड़ी आके फुल्ली रुक जाएगी, इंडिकेटर मैंने दिया अब गाड़ी जो है अपने आप जाएगी। एक सेकंड में रुका हुआ हूँ तो आई टर्न दी कंप्लीट ऑटो पायलट ऑन, देखो फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड ऑन है, तो लेट्स सी, अभी तो रेड लाइट हो रखी है तो जाएगी नहीं, ट्राई। देखो रुक गई, रोक लेता हूँ मैं, ऑटो पायलट डिसंगेज, व्हाट हैपेंड, प्रेस वॉइस बटन एंड सेंड टेस्ला एनोनिमस मैसेज टू डिस्क्राइबिंग, भाई बोल रहा है टेस्ला को बताओ कि आपने रोकी क्यों, इसको समझ नहीं आ रहा कि हाँ मैं जा सकता हूँ, मतलब ऐसा मना नहीं है रेड लाइट पे टर्न होना इस तरफ, बट गाड़ियाँ आ रही है तो उनका क्या। अब यहाँ पे जैम लग गया थोड़ा भी, अभी उतना भाई बात नहीं है, अभी इसमें ऐसी बात नहीं है, भूल चल जाए। एनीवे मैं यहाँ पे जो है नेविगेशन लगाता हूँ ताकि इसको समझ में आए जाना कहाँ है। तो जी टेस्ला के ऑटो पायलट का परीक्षण जो है वो कर लेते हैं हम, काम तो कर रहा है भाई, दिस इज अमेजिंग, बहुत ही गजब काम करता है ये। ठीक है वो आपने देखा वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे हो गया था पिछले वाले पे, बट अभी जो है बहुत ही सही काम कर रहा है, खुद से टर्न वन सब करता है यहाँ पे। एनीवे तो बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं, माइल्स वगैरह कितने, रेंज वगैरह कितनी मिलती है, तो ये लॉन्ग रेंज वाला वर्जन जो है यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, टेक्निकली इसकी रेंज 310 माइल्स से ज़्यादा होने चाहिए, बट ये जो है लगभग 250 आसपास के माइल्स पे ही जो है ढेर यहाँ पे हो जाता है, वही रफली ट्रांसलेट लगभग 400 किलोमीटर के आसपास जो है ये चलेगा। देखो खुद से इंडिकेटर दिया, खुद से टर्न हो गया, बिल्कुल टेस्ला है, पूरा माहौल है वायदा, वैसे हल्की चीज़ थोड़ी है। एनीवे तो चल रही है खुद से, बट आपको फिर भी बोलता है कि आप जो है आप हाथ अपना रखो, मेरे को बार बार इंडिकेट करता था, एक कैमरा रीड भी करता रहता है मेरे को कि भैया मैं ध्यान दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। एनीवे तो जो सेट लिमिट है उसे थोड़ा सा ऊपर जाती है, तो मैंने 65 की लिमिट अलाउड है तो मैंने सेट किया है, थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो तो 68 पे यहाँ पे जो है ले गई है, क्योंकि इतना जाना ऊपर अलाउड है यहाँ पे। बट हाँ रेंज ये मिलती है जो कि थोड़ी कम है, ओवर द टाइम कम हो गई है, शुरुआत में जब एक्चुअल में ये गाड़ी आप लेते हो तो उस टाइम पे तो थोड़ा ज़्यादा जो है दे देती है, बट ये लो मैंने कैंसिल किया तो वापस अपने लेन में आ गई, मतलब ह्यूमन इनपुट जो है उसको प्रायोरिटी देती है, जैसे मैंने ऊपर किया तो कैंसिल किया तो तुरंत आ गई, ऐसे कुछ नो क्वेश्चन आस्क, मैंने इंडिकेटर बंद किया वापस आ गई अपनी, और अगर कोई आसपास गाड़ी वाड़ी हो तो एकदम से टर्न वन भी कर देती है, क्रैश वैश जो है अवॉइड करना भी इसको आता है, बट ये विजन बेस्ड सिस्टम अगेन मैं बता रहा हूँ मुझे उतना कॉन्फिडेंस उस पर इतना ज़्यादा है नहीं। एक और चीज़ ये देखो, टर्न दिया, इंडिकेटर दिया, चेंजिंग लेन्स, ये यहाँ पे टर्न हो गई, मैंने कुछ नहीं किया भाई, खुद किया, अगर मैं इंडिकेटर दे दूंगा चेंज कर देगी, लेकिन पूछेगी भी कि भैया आप बताना चाहते हो कि आपने ऐसा क्यों किया, जबकि मुझे तो नहीं लगा ज़रूरत चेंज करने की, तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे ये बताती है। अप्लाई स्लाइट स्टीयरिंग फोर्स ताकि आप बताओ कि भैया मैं जग रहा हूँ तो स्टीयरिंग फोर्स जो लगाओ, इसने गाड़ी ने बोला मैंने लगा दिया यहाँ पे, और तो क्या बताना था मुझे यार, बट ओवरऑल मतलब चार्जिंग इंफ्रा बहुत रॉबस्ट है, वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो कि एक्चुअली इस गाड़ी का पार्ट है ही नहीं, वो इसके सॉफ्टवेयर का पार्ट है और चार्जिंग इंफ्रा का पार्ट है, बट टेस्ला ने वो काम जबरदस्त किया, आई थिंक दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इन सम डेवलप कंट्रीज ओनली, मतलब ये इंडिया जैसी कंट्री में आप चार्जिंग इंफ्रा उतना डेवलप कर नहीं सकते हो, तो टेस्ला का फील ही खत्म हो जाएगा, मतलब इज जस्ट ए नॉर्मल कार, आप कोई भी रैंडम लग्जरी कार आपको ज़्यादा बेटर फील होगी टेस्ला के मुकाबले अगर आप इंडिया में देखते हो तो, क्योंकि वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रा अवेलेबल हो नहीं पाएगा जिस एक्सटेंट पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो एक बड़ा पार्ट है टेस्ला के इकोसिस्टम का। इट इज़ लाइक आप देखो आपने आईफोन खरीद लिया, ठीक है अब आप अकेले ही हो आईफोन वाले अपने इर्द गिर्द में, आपको वो तुरंत क्विक शेयर करने वाला एड्रॉप
पिकअप करने वाला सिस्टम नहीं अवेलेबल हो, और तो बार बार जो है आपको चार्जिंग भी जो है दूसरे चार्जर्स दूसरे लोगों के चार्जर से यूज़ करना पड़े, खुद के जो है एप्पल का चार्जर अगर कहीं अवेलेबल हो वो ना अवेलेबल हो, तो फील आ रहा है ना आपको कि आप सब मिस करते जाओगे। तो आपको फील पूरा अगर आपको चाहिए तो हर एक चीज़ इन्वॉल्व यहाँ पे, वो यहाँ पे टेस्ला के साथ में थोड़ा सा सीन है कि मतलब द कार इज़ नॉट रियली अ वेरी गुड लग्जूरियस प्रोडक्ट, इट्स वेरी गुड सुपीरियर इलेक्ट्रिक कार, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इंडिया के लिए अभी आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा मामला जो है रेडी है। बाय द वे एक और चीज़, ये चला तो रहा है ऑटो पायलट, आई डोंट नो हाउ स्मार्ट इट इज़, ये जो लेन है ये हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन है, मतलब इसमें दो तीन या तीन से ज़्यादा लोग बैठे हैं तो ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, वरना फाइन आ जाता है। आई डोंट नो ये स्मार्ट इनफ है या नहीं है उसको उधर ले जाने में, बट आई थिंक ये उसको फास्ट लेन कंसिडर करता है, और ये वैसे भी उस पर जाएगा नहीं क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी अपनी मैक्स स्पीड पर चल रही है, आगे कोई ब्लॉकेज है नहीं तो उस पर जाएगा नहीं। अभी तो फिलहाल मैं टेस्ट कर नहीं सकता हूँ, बट ठीक है, मतलब इट्स गुड। तो भैया ये सब कुछ है मॉडल वाई के बारे में, और मतलब ज़बरदस्त कार है, ऑनेस्टली कोई दिक्कत नहीं है उस गाड़ी में, बट इट इज़ नॉट अ लग्जरी कार इन एनी टर्म्स, ठीक है। मतलब हम लोग थोड़ा सा गलत परसीव कर रहे हैं शायद टेस्ला को इंडिया में, क्योंकि लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर है ये वो, नहीं, बट एट द सेम टाइम दीज कार्स आर नॉट चीप, किसी भी मायनों में सस्ती गाड़ियाँ नहीं है इंडिया में, ला के इंडिया में बना के आप ट्राई कर लो तो भी सस्ती नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैटरीज वगैरह इवेंचुअली इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल भी है नहीं, यहाँ पे भी करने में इनको जो है हालत ख़राब हो रही है इनकी यूएस में भी। बट गाड़ी अच्छी है, ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं होने के बावजूद टेस्ला ने काम बहुत अच्छा किया है, ऑल्सो साथ ही में जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है आई थिंक वो जान है इस गाड़ी की, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर किया गया। अब वो बात आती है कि क्या इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ पे चलाने पर ओवरऑल या टेस्ला मॉडल वाई चलाने पर वो सही पड़ता है नहीं पड़ता है, ओवरऑल मतलब कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है नहीं पड़ता है, सी ये चीज़ थोड़ी सी डाइसी है। मतलब मैं आज भी मानता हूँ कि डीजल कार ज़्यादा आपको जो है बेहतर पड़ती है ओवरऑल, अगर आप पब्लिक चार्जिंग वगैरह हर चीज़ की बात करो, आप डेली अपने घर पर चार्ज कर रहे हो तो सीन जो है बदल यहाँ पर जाता है। बट ये गाड़ी फॉर एग्जांपल क्लेम रेंज 300 माइल से ज़्यादा है चली नहीं है, 250 चलती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चल चुकी है धीरे धीरे बैटरी जो है वो उसकी ख़त्म होने लग जाती है, इतना चार्ज होल्ड नहीं कर पाती है वो, हर एक चीज़ को अगर आप अकाउंट करो और पब्लिक चार्जेस वगैरह की बात करो, मुझे एक्चुअली डीजल कार से महंगी पड़ती है चलाने में, जो मैंने पिछले 2500 किलोमीटर चलाया तो ठीक है, आप थोड़ा सा क्लीनर एनवायरनमेंट जो है वो आपके एरिया में हो जाएगा, बट ओवरऑल इलेक्ट्रिक कार्स के अराउंड जो कहानी है वो उतनी भी सच है नहीं जितनी हमने लगती है या जितने लोग प्रिटेंड करते हैं। बट इट्स गुड, एक अल्टरनेट तरीका है फ्यूल वगैरह की जगह कुछ और यूज़ करने का, और अगर आप क्लीन एनर्जी यूज़ कर रहे हो मतलब जो आपने बिजली बिजली जो है साफ स्रोतों से आई है, तो फिर तो गलती मतलब दिक्कत है ही क्या, वो वाली बात। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक कल दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।